लॉर्ड बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि व्हाट वी थिंक वी बिकम, इस स्टेटमेंट में एक गहन सत्य छुपा है विच इज वेरी मच रेलेवेंट टू द करंट कॉन्टेक्स्ट इन आवर लाइफ, बिकॉज इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड देन इट कैन हेल्प यू डिक्टेट द कोर्स ऑफ योर लाइफ, आपकी जीवन की यात्रा को दिशा देने में काफी हेल्प करता है। सिमिलर लाइन पे नेपोलियन हिल ने अपने बुक थिंक एंड ग्रो रिच में एक स्टेटमेंट बोला था कि व्हाट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। ये बहुत ही डीप मीनिंग है इसके, क्योंकि आप जैसा मैसेज अपने ब्रेन को दोगे वैसा रिएक्ट करना शुरू होता है। देर आर इन नंबर ऑफ स्टोरीज एंड एग्जाम्पल अराउंड अस जहाँ पे लोगों ने वैसे सपने देखे जो स्टार्टिंग में इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन जस्ट बिकॉज उनका डेली बेसिस पे खुद के प्रति वो सेल्फ अफर्मेशन था कि नहीं आज मुझे ये करना है क्योंकि मुझे वो अचीव करना है और मैं वो कर सकता हूँ। उन्होंने किसी और की नहीं सुनी, खुद की सुनी और उस पर काम किए एंड दे अचीव इट। समटाइम ये हो सकता है कि आपका ड्रीम, आपका गोल अचीव करने में वो डिले हो जाए। लेट्स से अगर आपको दो साल के अंदर आपने कुछ टारगेट सेट किया था, किसी कारणवश देयर माइट बी सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, आपका वो डिले होगा। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे वो डिसिप्लिन अपने अंदर बिल्ड किए हो कि नहीं मुझे इसको करने के लिए, मुझे ये चीज़ में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो ग्रोथ माइंडसेट आपके पास है, तो आप उस ड्रीम से पीछे नहीं रह पाओगे, आप उसको पालोगे। कभी ना कभी थोड़ा डिले होगा लेकिन आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड को कैसा मैसेज दे रहे हो, कैसा ट्रेन कर रहे हो, और अगर आपके अंदर वो ग्रोथ माइंडसेट है, उस चीज़ को करने की जिद है, वो आपके अंदर पागलपन है, तो आप बिल्कुल वहाँ पहुँचोगे। कभी सोचिएगा इस पर।